ओए दत्ता, क्यों कटे मुर्गी की तरह फुदक रहा है? मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरा अपना ही पुत्र मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इसे मेरे बचपन की रिपोर्ट बुक मिल गई है। डैडी, आपके तो 100 में से सिर्फ 13 नंबर थे, मेरे तो 100 में से पूरा 17 नंबर हैं। आप फिर भी साइन नहीं कर रहे। मैं अपने दोस्त भनोट के यहाँ जा रहा हूँ। इस बीच तू भी अपने दोस्त दीपू के यहाँ से चक्कर काटा, उसके बाद फिर हम दोनों इकट्ठे घर चलेंगे। ठीक है डैडी, मैं एक घंटे तक भनोट अंकल के घर पहुँच जाऊंगा। इसी बीच इधर डैडी जी के दोस्त मिस्टर भनोट के यहाँ। क्या बात है पापा? पी पी पी। ओए पुत्र, मेरे बचपन का याड़ी दत्ता आ रहा है। तो इसमें इतनी उई पी पी करने की क्या बात है? ओए तू नहीं समझेगा, वह जहाँ भी जाता है दुर्घटना का दानव उसका पीछा करता है, उसके साथ कुछ ना कुछ घटता ही रहता है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हुई, क्या वो आ गया? पे पे पे। ओए सुना भाई बनोट बाबू, की हाल है तेरा? हे ठीक है, तो तुम कैसे हो? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। जल तू जलाल तू, आई बला नी टाल तू, अले गर्मा गर्म चाय, अब हम जमकर पक्की गप्पे शप्पे करेंगे। मैं मेरा हाथ इस फूलदान में फंस गया। वे तू शुरू भी हो गया? निकलता ही नहीं। ठहर जा, मैं तेल लेकर आता हूँ। जोर लगा के ऐशा, निकल गया। और अब डैडी जी का सिर मछलियों वाले जार में फंस गया। खबरदार, जो मेरी कोई मछली निकली। ठहर जा, मैं खींचता हूँ, तू अपने पैर दरवाजे के चौकट में फंसा कर रखियो। निकल गया। बच गया। तभी बाहर से धाड़ की आवाज आई। आए, मेरा गुलबुकावली के फूलों वाला गुलदस्ता कहाँ गया? या है। देख मेरी फील्डिंग का कमाल, तेरा गमला टूटने से बचा लिया। चल अब चाय पीते हैं। तुझे याद होगा, हमारे साथ भिंडी नाम का एक लड़का पढ़ता था। जब उसने फोटोग्राफी का काम शुरू किया तो एक दिन एक शादी पार्टी के साथ वह फोटो खींचने गया। वहां जब लावा फेरे शुरू होने वाले थे तो उसे कहा गया कि फोटो खींचो, पर वह तो मजबूर था क्योंकि उसने इस बीच अपनी उंगली दरवाजे की चटखनी में फंसा ली थी और अब वह उंगली निकल ही नहीं रही थी। बेचारा फोटो कैसे खींचता? कई लोगों की आदत होती है, बैठे बैठे अपना हाथ या उंगली कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं। मम्मा, मेरा हाथ फंस गया। अब क्या हुआ? ठहर, मैं आरी लेकर आता हूँ कुछ देर बाद। आज पता नहीं, बस हादसे पर हादसे, तू भी कहेगा। अब तू ऐसा कर, अपने दोनों हाथ सीधे करके इस बाहर वाले दरवाजे से बाहर की तरफ निकल जा। डैडी जी के बाहर निकलते ही भनोट ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बड़े भी आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले डैडी। आप वहां से बड़ी जल्दी फारिग हो गए? हाँ पुत्र, वह तो बड़ा कह रहा था कि बैठो बैठो, पर मेरे पास इतना समय कहाँ। पर जब मैं वहां आपको बुलाने पहुंचा तो मिस्टर भिंट अपने घर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठकर मुक्का फाड़ फाड़ के रो रहे थे। वो बेटा, जिसकी किस्मत में रोना है वह तो रोएगा ही। इस बबलू के बच्चे की वजह से हम लोगों का जीना दूभर हो गया है। सच कहता है यार, जहां भी हाथ डालते हैं रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ये पिस्तौल देख रहे हो? हाँ, जादुई है क्या? हाँ, देखना अब यही पिस्तौल उस बबलू का काम तमाम करके हमारा कल्याण करेगी। पागल हुए हो, उस तक पहुँचना आसान नहीं है। रात के अंधेरे में मैं सीधा उसके घर जा पहुँचूंगा और एक ही गोली में उसे सदा की नींद सुलाकर वापस आऊंगा। होश में आओ गुरु, बबलू तक तुम बाद में पहुँचोगे, पहले तो उसका कुत्ता ही तुम्हारी हड्डियाँ चबा डालेगा। हाँ,
अच्छा बताया तुमने। आज रात जाकर पहले मैं उसके कुत्ते को ही ठिकाने लगाऊंगा और कल रात उसी रात किसी सन्नाटे पहर में एक परछाई बड़ी खामोशी से बबलू के मकान के अहाते की ओर रेंग रही थी। परछाई अहाते के पास अभी पहुंची थी कि बबलू के वफादार कुत्ते मोती ने खौफनाक तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। उस परछाई ने बड़ी खामोशी से एक झाड़ी के पीछे से उसका निशाना लिया। धमाका खामोशी से गूंजा और उसके साथ ही हवा में तड़प कर उछला मोती। जो उसका कुत्ता कल हुआ खुद। कुली की आवाज सुनकर जब बबलू आहते में भागा तब तक वहां अंधेरी के परतों में खुद को छिपा चुका था। मोती, बबलू जैसे प्रसिद्ध बाल जासूस के साथ हुई इस घटना को अखबार में भी बड़ी गंभीरता से लिया गया। मशहूर बाल जासूस बबलू का कुत्ता अनजान हत्यारे की गोली का शिकार। हत्यारे ने भी यह खबर पढ़ी। मुझे मालूम था मेरा निशाना गलत नहीं हो सकता। अब क्या इरादे हैं? कल उसका कुत्ता आज वक़्त, अब तो कोई रुकावट नहीं है ना। सच है यार, अब तो मुझे भी मानना पड़ेगा। उसको मारकर तुम अपने भाई लोगों का कल्याण करोगे राजा। रहती दुनिया तक चोरों, जालसाजों और हत्यारों की दुनिया में तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा। इस बीच एसपी साहब भी बबलू को समझा रहे थे। बबलू, कहो तो कुछ सिपाहियों से तुम्हारे घर पर पहरा बैठा दूं। जरूरत नहीं अंकल, मैं उसके चैलेंज को अकेले ही स्वीकार करूंगा। मैं जानता हूं कि मोती को मारने का उद्देश्य हत्यारे का यही है कि अब बेरोक टोक मुझ तक पहुंचना चाहता है, और अब मैं भी नहीं चाहता कि मेरे और उसके बीच कोई रुकावट आए। रात आई और फिर रात गहराती चली गई। अब उसे किसी वक्त आ जाना चाहिए। अचानक, तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम जेल तोड़कर क्या तुम इसीलिए भागे थे? हाँ बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना कि दुनिया की कोई भी जेल मुझे ज्यादा दिन तक कैद नहीं रख सकती। अच्छा, तो अब अपने आप को समर्पित करने आए हो क्या? बकवास मत कर, अपने भगवान को याद करना चाहता है तो जल्दी से याद कर ले। ठीक है बाबा, ठीक है, मरते मरते या नेक काम कर लेने दे। 10 सेकंड मैं देता हूँ तुझे। मगर 10 सेकंड बीतते बीतते एक अजीब घटना हो गई। मोती, हत्यारे राजा को पूरा यकीन था कि यह जिसने उस पर हमला किया है वह कुत्ता नहीं बल्कि कुत्ते का भूत है। कुत्ते को तो वह अपने हाथों से मार चुका था और फिर उसने अपनी ही पिस्तौल के रेंज में खुद को पाया, इसलिए कि वह अब बबलू के हाथ में थी। तुम तो मुझे मारने आए थे राजा, अब भूत से डरकर भाग रहे हो। भूत? मोती मरा नहीं है राजा, यह जिंदा है। तुम एक अनाड़ी निशानेबाज निकले। हैं? हाँ राजा, अखबारों में जो कुछ तुमने पढ़ा वह सभी एक नाटक था तुम्हें फंसाने के लिए। मैं जानता था कि तुम मोती को देखोगे तो उसे भूत समझकर बौखला जाओगे और मैं तुम्हारी बौखलाहट का फायदा उठा लूंगा। हेलो एसपी अंकल, क्या आप जेल से भागे हुए कुख्यात अपराधी राजा को गिरफ्तार करना पसंद करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, याद रखना मैं फिर जेल से छुटकर आऊंगा। आज अपने पुराने मित्र हकीम चंद केमिस्ट से मिलना चाहिए। कहिए हकीम चंद जी, आपका धंधा कैसा चल रहा है? काला कहूंगा जी, सब आपकी दया है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैं केमिस्ट की जगह डॉक्टर होता तो अच्छा रहता। यह अच्छी बात है। हकीम चंद जी, हकीम चंद जी, मुझे बचाइए। कहिए मिस्टर प्रसाद, क्या बात है? मुझे हिचकियों की दवा चाहिए। मिस्टर प्रसाद, हिचकियों की तो कोई दवा नहीं है, यदि आप पानी पियो तो आपको आराम मिल सकता है। हकीम चंद जी, ये सब पुरानी बातें हैं, हिचकियों का नया इलाज है शॉक ट्रीटमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। शॉक ट्रीटमेंट, वह क्या होता है? मेरे पास आओ, अभी बताता हूँ। काले कोई ने मिस्टर प्रसाद को एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया। तुमने मुझे चाटा क्यों मारा? तुम्हारे भले के लिए। तुमने देखा, अब तुम्हें हिचकी नहीं आ रही, तुम्हारा इलाज हो चुका है। मूर्ख, मुझे तो हिचकी आ ही नहीं रही थी, हिचकी तो मेरी पत्नी को आ रही है जो बाहर कार में बैठी है, और तूने मुझे चाटा मार दिया। ये मैंने क्या किया?
बचाओ, आप पाठ को आप ही मुझे बचा सकते हैं। नहीं छोड़ूंगा, मेरे दोनों ग्राहक भाग रहे हैं। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे मिलकर। भाइयों, आप मुझे फिल्मी दुनिया का एक पुराना खलीफा समझें। मैंने इस दुनिया के ऐसे ऐसे रंग देखे हैं कि अब क्या बताऊं। यहीं पर मैंने खच्चर को घोड़ा और घोड़े को खच्चर बनते देखा है। मुझे याद है वे दिन जब मैं बम्बई के शैतान मोहल्ले में रहता था और टूटे फूटे बर्तन की मरम्मत करने वाले दो आदमी सुबह सुबह मेरे घर के सामने से आवाज लगाते गुजरा करते थे। उन दिनों लस्सी कान प्यारे गाल काफी अनाड़ी किस्म के कलाकार हुआ करते थे। काले से बनाया और आज टूट गई, क्या तुम दोनों को ठीक से ठोक पीट भी नहीं आती? और बर्तन और बाल्टियों का शोर ऐसा मस्ता कि कानों में उंगली ठूसने पर भी सुख न मिलता। आखिर एक दिन मजबूर होकर मैंने भविष्यवाणी कर दी, एक दिन तुम दोनों फिल्मी दुनिया में नाम कमाओगे और संगीत निर्देशक कहलाओगे। दुनिया जानती है मेरी भविष्यवाणी कितनी सच निकली। टीन कनस्तर और बाल्टी पीटने का काम जिस दिन से उन्होंने रिकॉर्डिंग थिएटर में शुरू किया नाम चल पड़ा। जो और जो लोग उनके अनाड़ीपन पर उन्हें गालियां देते थे, वह अब कान लगाकर उनके गाने सुनते हैं। तू कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तू कितने बरस का? मैं 17 बरस का। तू कितने बरस की? मैं 16 बरस की। तो पाठकों, देख लिया ना आपने, खच्चरों को घोड़ा बनते हैं। आइए अब देखें घोड़ा खच्चर कैसे बनता है। एक दिन नया हीरो फिल्म में आया था, खाट खप्पर। वह अपनी कला और प्रतिभा के सिलसिले में लंबी लंबी डींगे हाँका करता था। एक बात कहूं कलमदास जी? जरूर कहिए खाट खप्पर साहब। जितने भी हीरो अब तक फिल्मी दुनिया में आए हैं, सब के सब चोर हैं। जी आई मीन सब के सब बेईमान हैं। जी मेरे कहने का मतलब है कि इन हीरो लोगों को पैसे के अलावा किसी भी चीज की परवाह नहीं है, ना अच्छे रोल की ना अच्छी फिल्म की, बस पैसे आना चाहिए। अब जरा नीचे भी उतरो, बस आ गई। इन सबको पैसे का लालच है, पैसे के लिए ये कूड़े से कूड़ा फिल्म में काम करने को राजी हो जाते हैं। सैकड़ों फिल्म एक साथ ले लेते हैं और 100 फिल्मों में एक फिल्म बड़ी मुश्किल से चलती है, बाकी सब सिनेमा हॉल पर ही होंदे मुंह के बल गिर पड़ती है। ये सारे हीरो कला के मुंह पर पतनुमा धब्बे बने रहते हैं। गधे के पास पैसे हो तो वह भी अपनी फिल्म में उन्हें ले सकता है, इन्हें खरीदा जा सकता है। देखो सुपरस्टार समझता है खुद को, मुझे तो इसकी फिल्म देखकर हंसी रोकनी मुश्किल होती है। इसका जरा झोपड़ा तो देखो। इसके बारे में क्या ख्याल है? इतना ही कहूंगा कि अल्लाह मेहरबान तो खोथा पहलवान। और फिर भाइयों, नए हीरो खाट खप्पर की पहली फिल्म हिंसा भक्त राजू प्रदर्शित हुई, जिसने सचमुच उसकी प्रतिभा के झंडे गाड़ दिए। मैंने कहा था ना कि कूड़ा फिल्म में कभी काम नहीं करूंगा, साल में सिर्फ एक फिल्म में काम करूंगा और सदा ऐसी ही अच्छी फिल्मों में काम करूंगा। मानना पड़ेगा। खप्पर साहब, मुझे प्रोड्यूसर खच्चर मलखोता लाल धोबी वाला कहते हैं। अपनी अगली फिल्म का हीरो मैं आपको बनाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है ऐसे गायब हो जा जैसे। पहले यह बताओ कि तुम्हारी फिल्म की कहानी क्या है? इस कहानी में मेरा क्या रोल है? हीरोइन, डायरेक्टर, गीतकार, संगीतकार, कैमरामैन वगैरह कौन है? यह सब जानने से क्या फायदा? फायदा तो आपका इस थैले में है, झांक कर देखिए। इतने सारे नोट सब आप ही का है। सुनने और देखने के बाद जब उसका सिर थैले से बाहर निकला तो उसकी आंखें पलटी हुई थी और बेहोश होकर गिरने लगा। होश आया तो उसकी याददाश्त गायब हो चुकी थी। उसे पिछली कोई बात याद नहीं थी। सबसे पहले तो उसने मुझे फटकारा। भाग दे खंगले,
फिर उसने प्रोड्यूसर खच्चरमाल खोतालाल धोबी वाले को गले लगाया। भाई खोतालाल, मैं आपकी फिल्म में काम करूंगा, थैला किधर है? उसके बाद खाट खप्पर को कुछ भी याद नहीं रहा सिवाय थैले के। मुझे अपनी फिल्म में साइन करने से पहले यह बताओ कि किसका थैला ज्यादा भारी है, उसी के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। हीरो जी, मेरा थैला तो छोटा है पर कहानी दमदार है। भूल जाओ। भारी थैलों के उपलक्ष्य में खाट कप्पर की फिल्में लाइन से प्रदर्शित होनी शुरू हुई और लाइन लगाकर बैठ गई। खाट कप्पर, तेरी यह 10वीं फिल्म पिट गई है। मैं प्रोड्यूसर डॉन रोकड़ी बोल रहा हूँ, अपना साइनिंग अमाउंट मुझे वापस कर दे। दर्शकों की ओर से उन पिटी फिल्मों ने इस बुरी तरह उसे मारा कि भाई कलमदास, फिल्मी डायरेक्टरों ने सच कहा है कि पत्थर लगने के बाद खोई हुई याददाश्त वापस आ जाती है। आज सुबह ही मेरी याददाश्त वापस आई, तब से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। मान गए तुम्हें कच्चर साहब। मायापुरी के एक उदास शाम। चित्र बौना रखा है, अरे या तो हंसी नहीं रहे। दत्ता साहब, एक बार मेरे ऑफिस में हरीश सूदन नौकरी मांगने आया। मैंने कहा कि अपने पुराने रिकॉर्ड लेकर आओ, उन्हें देखने के बाद ही तुम्हें नौकरी दूंगा। तो जानते हैं क्या हुआ? अगले दिन हरीश, केएल सैगल, नूरजहां, तलत महमूद आदि के जितने उसके पास रिकॉर्ड थे ले आया। मालिक साहब फिर भी अपनी शक्ल ऐसे बनाए रखने में कामयाब रहे जैसे फिल्म में नजीर हुसैन या लीला चिटनिस नजर आती है। फिर चंद्रू की बारी आई। एक बार दो अकलमंद नेता लोग आपस में बातें कर रहे थे। पहले ने कहा, हमारे देश की समस्याएं बढ़ती जा रही है, क्या करना चाहिए? तो इस पर दूसरे ने कहा, हमें अमेरिका पर हमला कर देना चाहिए। पहले नेता ने पूछा, इससे क्या फायदा होगा? तो दूसरे नेता ने जवाब दिया, लड़ाई में अमेरिका वाले जीत जाएंगे और हमारी समस्याएं उनकी हो जाएंगी। लेकिन मालिक साहब नहीं हंसे। जब मुस्कान का प्रत्येक कलाकार मालिक साहब को ना हंसा सका तो हर एक कलाकार अपने अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला गया। क्या एक से एक सुपर चुटकुला सुनाए? मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। लेकिन मूर्खों को यह नहीं मालूम कि रोबोट का नकली पुतला कभी नहीं हंसता। मैं सभी चुटकुले
दूसरे कमरे में टेप कर रहा था। अब चलो शाम की रेडियो पर मेरे चुटकुलों का प्रोग्राम आना है।